So, how we can promote a healthy lifestyle. So, we will see that changes in current lifestyles, family structures, cultural diversity, trends, and expectations have shifted some responsibilities for children's health to the collaborative effort of families, teachers, and service providers. Deekhe, halat badal उनके पास वक्त था अगर बाप घर से बाहर जाता है काम करता है तो माँ जो है वो घर में हुआ करती थी और फिर वो बच्चों को मुकम्मल तो भी देती थी और स्कूल के बाद भी बच्चों के पास इतना वक्त होता था कि वो खेल कूद सकें और एक अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना सकें लेकिन वक्त के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ जो हुई है उसमें इन्फ्लेशन है अफरात ज़र हो गई तो घर के हर फर्द को कमाना पड़ रहा है अब जब हर शख्स ही घर से बाहर होगा तो बच्चों पे तवज्जो कौन देगा और बच्चों को वक्त कौन देगा तो पहली बात तो ये है कि स्कूलों में भी हमारे जो उस हैं वो थोड़े से ओवर क्राउडिड हैं उस तरह से कि उनके पास पहले से ज़्यादा बच्चे हैं और वो उनकी तरफ उस तरह से तवज्जो नहीं दे पा रहे लेकिन अब देखना ये है कि हम फिर भी कोशिश क्या कर सकते हैं कि उनको एक हेल्दी लाइफ जो है वो दें जैसे हमने पहले भी अर्ज़ किया दुनिया के हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं कुछ माइग्रेशंस की वजह से लोग एक से दूसरे मुल्क में या एक से दूसरी जगह पर आ रहे हैं जो बच्चे पहले जिनके वालदान शहरों में गाँव में रहायश रखते थे या शहर से दूर रहायश रखते थे वो भी शहरों में आ गए हैं तो ज़्यादा मसरूफियत हो गई है और बच्चों के पास खेलने की जगह कम हैं फिर उनके पास खेलने का वक्त कम है और उनके साथ बड़ों का साथ भी कम है तो ऐसी सूरत में अब अ, सिर्फ जिम्मेदारी वालदान की नहीं बल्कि कहा यह जा रहा है कि इस कम्युनिटी मेंबर्स जो भी उनकी नेबरहुड है वो सब मिल के इस मसले को हल करें और बच्चों को बेहतर से बेहतर एनवायरनमेंट दें फिर हम ये कहते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉर्म्स ऑलवेज़ सर्व एज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट पहली बात तो यह है कि हम अपने एजुकेटर्स को ये कहेंगे कि भाई आपको बच्चों की नशो नुमा के जो पैटर्नस हैं वो पता होने चाहिए कि बच्चा हमारा दो साल में किस चीज़ के काबिल है तीन साल में वो क्या कर सकता है उसकी ज़रूरिया क्या हैं और उसके इंटरेस्ट क्या हैं चार साल में वो क्या कर पाएगा कौन कौन सी खेलें खेल सकता है और कौन कौन से उसके जो मसल ब्रेन कोऑर्डिनेशन है वो कितनी बन गई है कौन सी चीज़ें वो कर सकता है कौन सी नहीं उससे हमें यह पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा पीछे रह गया है कौन सा नॉर्मल है और कुछ जो है वो तेज़ी से भी जा रहे होंगे तो अगर हम ये पैटर्नस को एक इनिशियल पॉइंट के तौर पर लें और इसके बारे में अच्छा इल्म रखें तो हम बच्चों को बेहतर तौर से जा जान सकते हैं और बेहतर तौर पर उनके लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं नॉम सिंपली रिप्रेजेंट एन एवरेज डॉट एग्जैक्ट एज मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकली टू अचीव अ गिवन स्किल अच्छा अब ये भी तो है ना कि भाई नॉम या पैटर्न का हमें अंदाजा है कि भाई यहाँ पे बच्चा दो साल की उम्र में पहुँचता है तो वो अपनी मर्जी से चल फिर सकता है वो बेहतरीन टॉटलर है वो आपकी बात को इमिटेट भी कर सकता है आप कोई लफ्स कहेंगे कोई सेंटेंस कहेंगे वो उसको दोहराने की कोशिश करेगा गो उसका कॉन्टेक्स्ट अभी थोड़ा सा वीक हो सकता है कुछ चीज़ों का उसको पता नहीं इस उम्र में बच्चे क्या का सवाल बहुत करते हैं ये क्या है वो क्या है वो कौन है तो ये चीज़ें हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो पैटर्न है वो सारे बच्चों पे एक जैसा आए देखें जब पैटर्न की बात होगी तो हम जैसे अर्ज़ कर रहे थे कि वो एवरेज बच्चों को जहन में रख के बनाए गए हैं अब अगर कुछ बच्चे उस पैटर्न से या उस एवरेज से कमज़ोर हैं तो उनको हमें कोशिश करके एवरेज uh, बच्चों के करीब लाना है और जो आगे जा रहे हैं तो उनको रोकना और वापस नहीं लाना बल्कि उनको मज़ीद सरगर्मियाँ ऐसी देनी है मज़ीद उनकी इस तरह से मदद करनी है कि अगर वो तेज़ी से बढ़ सकते हैं तो बढ़ पाएं सो हेल्दी चिल्ड्रन हैव एनर्जी टू प्ले एक्सपीरियंस कंटिन्यूड ग्रोथ एंड हैव प्योर इलनेस सो डेवलपमेंटल नॉर्म्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर एंटीसिपेटिंग एंड एड्रेसिंग चिल्ड्रन स्पेशल हेल्थ नीड्स इंक्लूडिंग इंजरी प्रिवेंशन पोस्चर एंड फिज़िकल एक्टिविटी तो जो वालदान और इस हैं उनका फ़र्ज़ ये है कि जब वो पैटर्न से आगाह होंगे कि बच्चा किस उम्र में कौन सा काम सर अंजाम दे सकता है मस जैसे हम ये कहते हैं कि जब बच्चा पैदाइश के शुरू के महीनों में होता है तीन चार महीने में तो आप उसको उल्टा लिटाएंगे तो वो गर्दन ऊपर करने की कोशिश करेगा छः महीने में वो बैठने लगेगा नौ महीने में वो चीज़ें अपनी फिंगर से पकड़ सकता है इससे पहले वो कभी एक हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश करता है कभी दोनों हाथों से लेकिन फिंगर की मूवमेंट नहीं होती स्पेसिफिक अब आठ महीने में उसकी फिंगर स्पेसिफिक मूवमेंट भी हो जाती है फिर जब वो इसके बाद डेढ़ साल का होता है तो वो भाग दौड़ सकता है अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है अमूमन सवा साल से डेढ़ साल की उम्र के बीच में बच्चे चलना शुरू कर देते हैं शुरू शुरू में अटकते हैं फिर उनकी मूवमेंट में रवानी आ जाती फिर उसके बाद जब वो दो साल तक होगा तो फिर वो हिट भी कर सकता है बॉल को यानी एक पाँव से भी हरकत कर सकता है और आपके अलफाज को भी इमिटेट कर सकता है और क्वेश्चन भी पूछ सकता है और उसको टाइम एंड स्पेस का भी अंदाज़ा होता है वो चीज़ों को एसोसिएट भी करना शुरू कर देता है मसला ये कि कौन किस कमरे में बैठता है दादी कहाँ है दादा कहाँ हैं वो कहाँ होते हैं क्या करते हैं तो वो चीज़ों को उनके साथ रिलेट करना शुरू करता है फिर उसके यहाँ तेरा और मेरा का कॉन्सेप्ट भी आता है कि ये मेरी चीज़ें हैं या आपकी चीज़ें हैं या दादों की चीज़ें हैं इस तरह से उसको चीज़ों का भी पता होता है कि वो किसकी हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये छोट छोटे छोटे पैटर्न जो हैं ये हमें अगर हम जान सकते होते हैं तो फिर हमें इसके मुताबिक बच्चों की बच्चों को पहले ऑब्जर्व करना है अगर कोई बच्चा पीछे रह गया है या वीक है तो उसको हेल्प आउट करना होता है मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा डेढ़ साल की उम्र तक भी चल नहीं पाता तो इसका मतलब है कि उसको किसी ना किसी तरह की फ़िज़िकल हेल्प की ज़रूरत है या तो उसकी फिजियोथेरेपी होगी या उसका देखा जाएगा कि उसका बोन स्ट्रक्चर तो कमज़ोर नहीं है और फिर इसको किसी न किसी तरह से हेल्प आउट किया जाएगा डॉक्टर्स की मदद से या फिर कोई और फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से तो इसी तरह स्पीच थेरेपीज़ उन बच्चों के लिए हैं जो प्रॉपरली अभी स्पीच नहीं कर सकते और फिर ये भी देखा जाता है कि उनकी ग़ा में क्या वाकई वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मौजूद हैं जिनकी मदद से वो एक प्रॉपर एज पे प्रॉपर एक्टिविटी जो है वो कर सकता है तो हमने ये देखना है कि हमने हेल्दी लाइफ के ज़रिए यानी कब खाना है कब पीना है और जैसे मैंने अर्ज किया अभी बहुत सी चीज़ें आगे हम आपको बताएंगे कुछ हेल्दी हैबिट्स ऐसी हैं जो बच्चे की सफाई से रिलेटेड हैं तो उसमें भी वालदेन और इस को अहम रोल अदा करना होता है ताकि उनकी हैबिट्स जो है वो इस उम्र से डिवेलप कर सकें तो अभी तो हम बात कर रहे हैं उनकी न्यूट्रिशनल हैबिट्स की कि अगर फ़र्ज करें बच्चे की हड्डियाँ कमज़ोर लग रही हैं और उसने डेढ़ साल की उम्र तक भी चलना शुरू नहीं किया तो फिर उसको कैल्शियम की ज़रूरत होगी तो अगर कई जगह ऐसा होता है कि बच्चे डल है ज़्यादा सवाल नहीं कर रहे जैसे कि मैंने अर्ज किया वो सवाल पूछते हैं उस उम्र में तो इसका मतलब है कि उसके अंदर आयरन या आयोडीन की कमी है तो इन सारे पैटर्न से आगाह होना इस वालदेन के लिए ज़रूरी है ताकि मौके पर जब बच्चों को जिस तरह की मदद की ज़रूरत हो उनको वो मदद दी जा सके